राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री कुंवर विजय शाह ने शुक्रवार को बड़वानी में खाद्य सुरक्षा पर्व के मौके पर पात्र व्यक्तियों को खाद्य पर्ची का किया वितरण। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। आइए खबरें देखें विस्तार से। वैश्विक परिदृश्य में भारतीय विश्वविद्यालयों की उपस्थिति जरूरी है। विश्व की प्रथम 100 शैक्षणिक संस्थाओं में भारतीय विश्वविद्यालयों का स्थान होना चाहिए। भारतीय मेधा को भारत में ही पल्लवन का अवसर मिले, शोध को निरंतर प्रोत्साहन मिलना चाहिए, विश्वविद्यालयों में परस्पर संवाद हो और स्थानीय औद्योगिक परिस्थिति के अनुकूल विश्वविद्यालयों में शिक्षा की सुलभता होना चाहिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि 80 वर्ष पूर्व एक भारतीय विश्वविद्यालय ने नोबेल पुरस्कार विजेता को जन्म दिया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एक दिवसीय यात्रा पर आज वायुसेना के विमान से इंदौर आए। विमानतल पर राज्यपाल राम नरेश यादव, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अगवानी की। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। इस मौके पर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, मुख्य सचिव एंटोनी डिसा, लेफ्टिनेंट जनरल एमसीटीई महू राजेश पंत, पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा पर्व के बाद अब समाज के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उचित मूल्य पर खाद्यान्न मिलेगा। उन्होंने उचित मूल्य दुकानों पर उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने के लिए कहा। खाद्य मंत्री एवं बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह शुक्रवार को बड़वानी में खाद्य सुरक्षा पर्ची वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर विधायक दीवान सिंह पटेल एवं रमेश पटेल भी मौजूद थे। बड़वानी जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र 2,55,852 व्यक्तियों को पर्ची का वितरण किया गया। राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। निर्वाचन व्यय की सीमा निकाय की श्रेणी और वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तय की गई है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव जीपी श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम के लिए महापौर के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपए निर्धारित की गई है। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम के लिए व्यय की सीमा 15 लाख रुपए रहेगी। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संयुक्त बेंच में आए प्रकरणों की सुनवाई करते हुए अध्यक्ष उषा चतुर्वेदी ने कहा कि जिलों में बाल कल्याण के लिए चल रही योजना एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लापरवाही के लिए जिला महिला सशक्तिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेदार होंगे। आयोग में सुनवाई के लिए 25 प्रकरण रखे गए हैं। इनमें से 15 प्रकरण के लिए निराकरण के लिए संबंधित को निर्देश दिए गए हैं। सुनवाई में आयोग की सदस्य विजया शुक्ला, रीता उपमान्यू, आर एच लता, विजया यादव, रीना गुजराल और विभांशु जोशी उपस्थित थे। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।